सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बन गया है। क्या असल मुद्दे दबाए जा रहे हैं? क्या सिर्फ भड़काऊ मुद्दे उठाए जा रहे हैं? आखिर क्यों मीडिया पर से विश्वास उठ रहा है? क्यों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हिल रहा है? हर सवाल का जवाब कांठल टुडे। नगर परिषद के आदेश की अवहेलना कर फिर शुरू हुआ टावर का निर्माण कार्य। वार्ड वासियों ने दी मतदान के बहिष्कार की चेतावनी। नगर परिषद क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में नगर परिषद के आदेश की अवहेलना कर भूस्वामी ने फिर टावर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जिसके चलते कॉलोनी वासियों में आक्रोश फैल गया। यहाँ भारी विरोध के बाद नगर परिषद ने निर्माण सामग्री जब्त कर काम फिर से रुकवा दिया है। गौरतलब है शहर के इंदिरा कॉलोनी में टावर हटाने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने रास्ता रोककर विरोध किया और मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। यहाँ ये महिलाएं चिलचिलाती धूप में एक घंटे तक मासूम बच्चों के साथ खड़ी रही। इन महिलाओं ने टावर लगाने का जबरदस्त विरोध किया। वार्ड वासियों ने दो दिन पूर्व इस मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था। पुनः कार्य शुरू होने पर आक्रोशित महिलाओं ने गुरुवार को कॉलोनी का रास्ता रोककर नारेबाजी की, जिसके बाद नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। यहां आक्रोशित महिलाओं ने मौके पर आयुक्त को बुलाने की मांग की, जिसके करीब एक घंटे बाद आयुक्त सुरेंद्र मीणा पहुंचे। इन्होंने महिलाओं से बातचीत की। ये महिलाएं टावर हटाने की मांग पर अड़ गई, जिसके बाद यहां तुरंत टावर हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। यहां आयुक्त के निर्देश पर पुलिस के दस्ते ने अवैध रूप से टावर लगाए जाने पर टावर निर्माण सामग्री जब्त कर ली। हालांकि यहां मौके पर टावर की शेष निर्माण सामग्री तो जब्त कर ली गई, पर निर्माण टावर यूं ही खड़ा हुआ देखा गया। यहां इन महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर भी नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग की, जिस पर आयुक्त बोले कि इस मामले में पीएचडी से बात करो। शिकायत मिली थी, वही अवैध तरीके से लग रहा है, नोटिस भी दिलवाया इसे। इसके लिए पहले भी यहाँ के लोगों ने दो दिन पहले कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, जिसको आपको भी उसी टाइम बंद करवा दिया था मैंने तो। जी सर, आज से चालू हो गया है। चालू हो गया तो उसके एफआईआर करवाएंगे। नोटिस दिया था मैंने, कल ही जारी कर दिया था नोटिस। नोटिस जारी होने के बाद कैसे चालू करवाया? एफआईआर करवाएंगे इनकी, और जो इनका सामान तो जब्त कर ही लिया अभी।